नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुविंदर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले एक्समेट की एक लैपटॉप कूलिंग पैड की और बताएंगे इसके कुछ डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है मेरे पास एक्समेट की 17 इंच लैपटॉप कूलिंग पैड। तो यहाँ पर एक्समेट की ब्रांडिंग दी हुई है और यहाँ पर नीचे की तरफ कुछ इसके डिटेल्स दी हुए है, और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर डिटेल्स दी हुए है, स्पेसिफिकेशन वगैरह, कूलिंग पैड टाइप, एयर कूलिंग मटेरियल, मेटल एंड ABS, और नंबर ऑफ फैंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 फैन देखने को मिल जाती है। फैन साइज की बात करें तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर की। यहाँ पर इसके फैन RPM की बात करें तो यहाँ पर 1500 1500 RPM की फ़ैन है। तो यहाँ पर बहुत कुछ डिटेल्स दी हुई है, आप पॉज करके जो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और पीछे की तरफ और कुछ यहाँ पर नहीं है, तो इसको कह लेते हैं सबसे पहले ओपन। तो यहाँ पर इसको हटा लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद कुछ सबसे पहले जो है हमें ये कूलिंग पैड मिल जाती है। यहाँ पर प्लास्टिक रैपर है, इसको हटा देती। तो ये है कूलिंग पैड, आप देख सकते हैं दोस्तों, प्लास्टिक की है और मेटल की है। और यहाँ पर है एक USB to USB केबल जो कि इस कूलिंग पैड को चलाने के लिए, और कुछ नहीं है बॉक्स में। इसको साइड में रखते हैं और ये है दोस्तों कूलिंग पैड, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 4 फैन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर फैन की जो पॉपुलर से वो रेड कलर की, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक्समेट की जो ब्रांडिंग है यहाँ पर दी हुई है। और ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 USB पोर्ट है। आप दोनों में से किसी भी एक पोर्ट में जो है ये वाला केबल डाल के उस फैन को जो है चला सकते हैं, कूलिंग पैड को। और यहाँ पर आपको स्पीड कंट्रोल भी मिल जाती है, एक स्पीड रेगुलेटर। आप यहाँ से जो है अपनी जो कूलिंग पैड है उसके फैन की स्पीड को हाई या फिर लो कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इसको हाइड करने के लिए स्टैंड मिल जाती है, इसको इस तरह आप रख सकते हैं, थोड़ी सी हाइट हो जाएगी आपके लैपटॉप वगैरह। और यहाँ पर इस तरफ नीचे की तरफ जो है यहाँ पर आप लैपटॉप को होल्ड करने के लिए स्टैंड दी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले जो लैपटॉप में पावर देके इसको चला लेते हैं। ये मेरे पास एक पावर बैंक है और इस केबल को यहाँ पर खोल लेती हूँ। और इसकी एक USB पोर्ट को जो है अपनी पावर बैंक या फिर लैपटॉप की जो USB पोर्ट है वहाँ पर डाल लेना, और दूसरे वाले को यहाँ पर किसी भी एक पोर्ट में जो है डाल देना। मैं यहाँ पर एक पोर्ट में डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पर आपको स्विच मिल जाती है, यहाँ पर ये जो है ऑन ऑफ के साथ भी आती है, रेगुलेटर है। और इसको यहाँ पर घुमाते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी जो है फ़ैन स्टार्ट हो गया चलना, देख सकते हैं दोस्तों फ़ैन की जो स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर लाइट भी जल रहा है चारों में, और इसको ऑफ कर देती हैं। और इसको यहाँ पर आप, मैं, मेरे जो लैपटॉप है, मेरे पास ये 13 इंच वाला MacBook Air है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आराम से जो है यहाँ पर फिट हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है आप 17 इंच तक लैपटॉप को रख सकते हैं, लेकिन ये जो लैपटॉप है ये 13 इंच वाला है, तो यहाँ पर आराम से फिट हो गया। और इससे आप जो मैं काम भी कर सकती हूँ बहुत कुछ, आप देख सकते हैं दोस्तों, आराम से जो है यहाँ पर फिट हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद है। दोस्तों पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। अगर भी कोई सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।